टीम इंडिया अगले महीने यानी जुलाई में वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी, जहां पर भारत के शेर वनडे, टेस्ट और T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेंगे। इस दौरे से पहले भारतीय टेस्ट और T20 टीम में कई बड़े बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। टेस्ट के साथ साथ T20 सीरीज में भी युवा खिलाड़ियों को शामिल करने की बात चल रही है। इसी बीच T20 सीरीज में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। दरअसल T20 टीम में शुभमन गिल की जगह ऋतुराज गायकवाड को मौका दिया जा सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ओपनर ऋतुराज गायकवाड अब तक इंडिया के लिए 9 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 135 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाई स्कोर 57 रनों का है। बताते चले, IPL 2023 में गायकवाड ने चेन्नई की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था, जिसका तोहफा उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में मिल सकता है। IPL में ऋतुराज गायकवाड ने 16 मैचों की 15 पारियों में 42.14 की औसत और 147.50 के स्ट्राइक रेट से 590 रन बनाए थे। ऐसे में उन्हें टीम इंडिया में मौका दिया जा सकता है। ऋतुराज गायकवाड ने अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच तकरीबन एक साल पहले 26 जून 2022 को आयरलैंड के खिलाफ खेला था। अब आपको ये भी बता दें कि क्यों बाहर हो सकते हैं शुभमन गिल। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाली T20 सीरीज से आराम दिया जा सकता है। इसी के चलते ऋतुराज गायकवाड को एक बार फिर भारतीय T20 टीम में शामिल होने का मौका दिया जा सकता है। हालांकि अब तक खेले गए T20 इंटरनेशनल मैचों में ऋतुराज गायकवाड कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। बताते चलें, 12 जुलाई से भारत के वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत बुधवार से टेस्ट मैच के जरिए होगी, जो डोमिनिका में खेला जाएगा। दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद 27 जुलाई गुरुवार से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी। वहीं 3 अगस्त गुरुवार से 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होगा, जबकि इस दौरे का आखिरी मैच 13 अगस्त शुक्रवार को खेला जाएगा। वैसे आप किसे देखना चाहते हैं टीम में, ऋतुराज गायकवाड या फिर शुभमन गिल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।